हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के ब्लॉग में आपका। आज हम चलेंगे नाहरगढ़, और ये नाहरगढ़ जयगढ़ और आमेर फोर्ट का रास्ता यही है। तो यहाँ से डाइवर्ट होता है आमेर के लिए, सीधा चल जाता है और यह आमेर रोड जा रहा है, और इससे साइड में अपन डाइवर्ट होके जाएंगे जयगढ़ फोर्ट और नाहरगढ़ फोर्ट, जो दोनों एक ही रूट पे पड़ते हैं। चलिए चलते हैं। इधर सामने आमेर फोर्ट है और इधर साइड में नाहरगढ़ फोर्ट, जयगढ़ फोर्ट का रास्ता इधर से जाता है। यहाँ से 4-5 किलोमीटर पड़ता है लेफ्ट साइड पे, और आमेर का फोर्ट 2 किलोमीटर। बहुत रश रहता है इस रास्ते पे, ई रिक्शा जा नहीं पाते हैं, और ऑटो वाले करने पड़ते हैं फिर, या फिर अपनी ओला या फिर उबर कैब करके आ सकते हैं अपन, या फिर पर्सनल व्हीकल से। देखिए दोस्तों, हमने कर लिया है ऑटो हायर और हम ऑटो से चलेंगे अब नाहरगढ़ फोर्ट पे, जो करीब 8-9 किलोमीटर यहाँ से पड़ता है। इसको वो ऑटो वाला बोल रहा है कि 952। हम आ गए हैं अब महल के अंदर, और महल में देखेंगे कि यहाँ पे 9 महल बनवा रखे हैं रानियों के लिए। 9 पासवान जो थे उनके रानियों के लिए 9 महल बना रखे थे, जो कि एग्जैक्ट सेम तरीके से बनाए गए हैं सारे के सारे, और सारे 9 पोर्शन बनाए गए हैं, और उनकी 9 छतरियाँ भी देखने को मिलेगी, जो अपने को छत पे जाके मिलेगी। तो अभी चलेंगे हम छत पे, और ये देखिए आप, ये सेम जो का है, ये गैलरियों से मिलते जुलते जाके है, और ये सेम टू सेम है पोर्शन सारे 9 रानियों के लिए, अलग अलग रानी के लिए अलग अलग। तो देखेंगे हम, और इधर से हम आपको दिखाएंगे जयपुर का नज़ारा, ये खूबसूरत जयपुर शहर बहुत ही प्यारा शहर लग रहा है जयपुर। यहाँ से एक विंडो में नजर आ रहा है, देखिए आप पूरा जयपुर शहर, विंडोज। हाँ तो दोस्तों, अब हम चलेंगे ऊपर, वो छत पे जाने के बाद हमें 9-18 गेट दिखेंगे और उनकी छतरियाँ दिखेंगी, और ऊपर से जयपुर का देखने का मौका भी मिलेगा। आइए चलते हैं। ये दिख रहा होगा आपको, ये छतरियां बना रखी है 9 रानियों के लिए, और ये देखे जयपुर ऊपर से।